सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको गुप्त हरि मुद्रा बतलाने जा रहा हूँ। वैसे तो इस मुद्रा का शास्त्र में बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन परंपरा से यह तंत्र शास्त्र में यह चला आ रहा है गुरु शिष्य परंपरा से, और यह मुद्रा काफ़ी उपयोगी मुद्रा है। आप जैसे जानते होंगे कि कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत सारे मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी विशेषकर मूलाधार चक्र के लिए जिस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है उसमें से यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्रा है, गुप्त हरि मुद्रा। जैसे कि नाम से ही प्रकट है कि हमारे भीतर जो गुप्त शक्तियां हैं उसको जागृत करने के लिए है यह, और मूलाधार चक्र की जागृति के लिए है। तो हमारे सोई हुई शक्तियों को जागृत करके उसका ऊर्ध्वगमन कराने के लिए यह मुद्रा है। दूसरा, जो हमारे गुप्त रोग हैं यानी जो यौन संबंधित जो रोग होते हैं, जैसे पुरुषों में नपुंसकता की परेशानी है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह होता है, वीर्य नहीं बनता है, काम वासना में रुचि नहीं है, नपुंसकता हो गई है, तो उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है। उसी तरह से स्त्रियों में बांझपन की शिकायत है और डिंब नहीं बन रहा है, या संभोग के दौरान दर्द होता है, या जो है उसमें रुचि नहीं है, तो ऐसे के लिए, या मासिक धर्म में अनियमितता हो गई है, यह भी हो सकता है कि ल्यूकोरिया वगैरह की समस्या भी हो सकती है, तो वैसों के लिए यह जो है बहुत ही लाभकारी है। यह मुद्रा दो प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, पहले आप किसी भी ध्यान आसन पर बैठ सकते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, भद्रासन आदि, इनमें से किसी भी एक आसन को आप चुन लें। इन आसनों को नहीं जानते हैं तो आप हमारे वीडियो के हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए चैनल के, और उसमें जो है आसन के आपको दो जगह कॉलम मिलेंगे, तो उनमें से किसी में आप देख लेंगे तो आपको ये आसन मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि दोनों हाथ के जो अंगूठे हैं उसको ऊपर रखना है। पहली विधि यह है, आप अंगूठे को ऊपर रखना है, और ऊपर रख के यह जो स्थान है इस स्थान में इसको दबाना है, और इसके साथ आपको क्या करना है कि यह दबाएंगे कैसे, तो यह पल्स के रूप में दबाएंगे, यानी इसको दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, इस तरह से अस्थाई दबा के नहीं रखना है, पल्स के रूप में आपको दबाना है। अब इसके बाद क्या करना है कि जब आप दबाएंगे तो उस समय जो है आपकी जो है सांस भरेगी, जब दबाएंगे सांस भरेंगे जोर से, आवाज़ निकलनी चाहिए, और जब सांस जोर से दबाएंगे तो उस समय आप क्या करेंगे कि अपने मूत्र इंद्रिय को और गुदा इंद्रिय को आप सिकोड़ लेंगे ऊपर की ओर जितना सिकोड़ सकते हैं, और आपको लम का मंत्र जो है मन में जपना है, लम लम, इस तरह से मन ही मन बोलना है, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, मन से ही बोलना है, और श्वास जोर से खींचनी है, और जितनी लंबी श्वास खींचेंगे उतना ही लंबा जो है अब उच्चारण करेंगे मंत्र का,
छोड़ दिए, इसे आप देखेंगे कि आपकी यौन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। यौन शक्ति को पावरफुल बनाता है, जो कमजोरी इसे महसूस करते हैं वो देखेंगे आपकी कमजोरी दूर होगी। और आपको इसको 108 बार तक कम से कम करना है, 108 बार तक खाली पेट करेंगे, प्रातःकाल सायंकाल दोनों ही समय करेंगे। तो खाली पेट बैठ करके इसको आपको करना है। फिर से एक बार देख लीजिए, पूरा मल द्वार को ऊपर को खींचना है और मूत्र द्वार को अधिक से अधिक जितना खींच सकते हैं। यह एक विधि। दूसरी विधि, अब अंगूठा को ऊपर नहीं करके नीचे कर देंगे। ये देखिए, ये शुक्र का होता है, इसको आप नीचे कर देंगे और ऐसे दबा लेंगे। और फिर जो दबाएंगे तो फिर उसी तरह से खींचेंगे, श्वास को भरेंगे और मूत्र द्वार को और मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे। और साथ में जो जाप होगा वह लम का जाप होगा, और जितनी लंबी जो है सांस आप भरेंगे उतनी ही लंबी आपकी जाप भी होनी चाहिए। यह हो गया। अब इसको अगर आपको और प्रभावी बनाना है तो आप इसको सामने नहीं रख करके आप नीचे भी रख सकते हैं, यानी नाभि के नीचे का जो हिस्सा है यहां भी रख सकते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि जो मूलाधार चक्र है उसका पोजीशन जो है सबसे नीचे ही रहता है। इसलिए इसका पोजीशन अगर नीचे रहेगा तो यह और भी प्रभाव देगा, लेकिन आप इसे यहां सामने भी रख के कर सकते हैं। इसी तरह से जो मैंने पहले बताया था उसको भी आप यहां रख करके नीचे रखिए और उसी तरह से कीजिए। या और चीज़ों में भी फायदा करता है, जैसे आपके फेफड़े की शक्ति को बढ़ाता है, आपकी हृदय की शक्ति को बढ़ाता है, आपके रक्तचाप को नियमित करता है, आपके जो है गुर्दे की शक्ति को बढ़ाता है, और भूख भी लगाता है, कब्ज को दूर करता है, गैस को दूर करेगा। तो यह बहुत ही लाभकारी है। तो इस गुप्त हरि मुद्रा को आप करें प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल, तो यह जल्दी लाभ देगा और कुंडलिनी शक्ति यह जगाने में समर्थ है। अब आप जानना चाहेंगे कि कितने समय में यह कुंडलिनी शक्ति आपकी जागेगी, तो यदि आप इसे 1008 बार तक करने में समर्थ हो जाते हैं, 108 बार से शुरू करना है और 1008 बार करने में जिस दिन समर्थ हो जाएंगे आपकी कुंडलिनी शक्ति उसी दिन जाग जाएगी। यह आपकी क्षमता पर है कि आप यह कितने समय में 1008 बार तक आप पहुंचा पाते हैं इसे। तो इसका समय निर्धारण इस तरह से है, तो आपकी अपनी क्षमता, आपकी अपनी योग्यता के ऊपर आधारित है। 1008 बार हो जाने पर यह पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है।